नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी जुपिटर अलग अलग राशियों में सीरीज का आज आखिरी है। जुपिटर इन पाइसिस, 12 नंबर राशि में पाइसिस में अगर जुपिटर लिखा हुआ हो तो क्या हो। हमने कहा जुपिटर आप हो और मैं हूँ। जुपिटर जीव कारक है, नेटिव है, सेल्फ है। हम और आप दोनों ही जुपिटर हैं, क्योंकि जुपिटर वो व्यक्ति खुद है जिसकी कुंडली देखी जा रही है। अगर जुपिटर पाइसिस में है, पाइसिस यहाँ पर नेचुरल 12th हाउस है, काल पुरुष कुंडली का 12th हाउस होता है पाइसिस, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है थोड़ा डिवाइन एनर्जी में विश्वास रखता है, मोक्ष की चाह रखता है, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ से धीरे धीरे उम्र के साथ साथ दूर होता जाता है। नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर ले जाने का प्रयास करती रहती है। ठीक है, खर्चा नहीं चाहता हो फिर भी एक्सपेंसिस होते रहते हैं, खर्चा बचाने का सोचेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाइसिस नेचुरल 12th हाउस से खर्चा होता है, अकेले रहते हैं, आइसोलेशन, शौक भी हो सकता है अकेले रहने, टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि पाइसिस जुपिटर की राशि, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, खुद के ऊपर काम किया, खुद ही सीखा है, फिर दूसरों को सिखाया है, जैसे हमने सेजिटेरियस में भी देखा था। इसको हम कहते हैं स्वर्ग की राशि, पाइसिस को हम कहते हैं स्वर्ग की राशि। क्यों, इसे हम कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर का मतलब है जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते, तो ये स्वर्ग की राशि। अगर वहां जुपिटर होता है तो ऐसे लोग आप जाते गंगा किनारे जाकर के बैठ जाते हैं थोड़ी देर, आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो जगह पाइसिस है ना। आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गंगा के नर्मदा पे, जहाँ कोई स्पिरिचुअल नदियां हैं, होली प्लेसेस हैं, क्योंकि पाइसिस भी वाटरी एलिमेंट है, वहां जाके आपको शांति मिलती। इसमें साइनस है ना, पॉलिप्स, रनिंग नोज, छींके आना, ये आम बात रह सकती है। जुपिटर पानी वाली राशि में चला गया, साइनस, रनिंग नोज, सिमिलरली यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती है। जुपिटर इन पाइसिस, आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, लिबरेशन, डिवाइन एनर्जी में विश्वास रखना, एक गोल्डन हार्ट होता है, हम कहते हैं गोल्डन हार्ट। ऐसे लोग ऑर्फेनेजेस में, टेम्पल्स में, ओल्ड एज होम्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ ना कुछ दान दे देते हैं, कोई तकलीफ में उसकी मदद कर देते हैं, दिल का बहुत साफ होता है व्यक्ति जिसका जुपिटर पाइसिस में। ठीक है, ऑफकोर्स ये सिर्फ एक प्लेसमेंट है, इसके अराउंड क्या प्लैनेट्स प्ले कर रहे हैं, आगे क्या है, सामने क्या है, ट्राइन में क्या है, उसे सारी की सारी बातें बदल जाती है। पाइसिस जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर यहाँ पे होने से हमने कहा सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद ही अपने ऊपर डेवलप करेंगे, बोलेंगे मेरा कोई नहीं था, मैंने खुद ही पढ़ा, किताब से पढ़ा, यहाँ से सीखा, अपने आप से सीखा, यूट्यूब से सीखा, फिर पढ़ाने भी लग जाएंगे, जुपिटर इन पाइसिस। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजिटर तो कोई होगा नहीं, क्योंकि खुद की राशि में लिखा हुआ है जुपिटर। पर जो प्लेनेट सेजिटेरियस में लिखा होगा, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको कहते हैं टू साइन थ्योरी। ठीक है, ज्यादा कोई बताता नहीं, इसे कहते हैं टू साइन थ्योरी। तो जो प्लेनेट सेजिटेरियस में लिखा होगा और जो प्लेनेट पाइसीज में लिखा होगा, वो आपस में एक कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेंगे। आपने कहा सेजिटेरियस में मान लो लिखा हुआ है मून, ये भी जुपिटर की राशि है, ये भी जुपिटर की राशि, तो ये जुपिटर मून कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेगा कि इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, इस व्यक्ति के बहुत सारा ट्रैवल करेगा, खाने का शौकीन होगा, मदर से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करता होगा, मदर के लिए कोई कर्म जुड़ा हुआ है इसको। तो आपने कहा जो प्लैनेट सेजिटेरियस में होगा और पाइसिस में होगा, वो आपस में कनेक्शन बनाए। मान लो जुपिटर पाइसिस में, सेजिटेरियस में मार्स केतु, तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर मार्स केतु बन जाए, ऐसा व्यक्ति रोज दिया बत्ती जलाता हो, क्योंकि मार्स आग है, उनका केतु बत्ती है, जुपिटर में हो तो रोज दिया बत्ती करे, जुपिटर मार्स रहा हो वो तो हवन करने वाला पुजारी होता है, कट्टर धार्मिक बन जाते हैं। तो आपने कहा अलग अलग राशियों में हमने जुपिटर समझा कि जुपिटर मतलब मैं, है ना, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ से हट करके स्पिरिचुअलिटी में चला जाए। दिस वाज जुपिटर इन पाइसिस। आप लोग कितना रिलेट कर पाए इन चीजों से, स्पिरिचुअल, अकेली, शांति, जगह, पानी की जगह, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ लोग जो मोक्षाय मोक्षायटन के लिए जगह होती है ना, जैसे काशी है, जाते हैं वहां पे मोक्ष धाम वगैरह हैं, तो ऐसी जगहों पर जाकर के अच्छा लगता है जुपिटर इन पाइसिस। ठीक है, लाइफ में चेंजेस होंगे, फॉरेन ट्रैवल भी देखे जा सकते हैं जुपिटर इन पाइसिस के साथ। जिसका जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा ना, वो भी फॉरेन ट्रैवल के लिए काफी दिलचस्पी रखता है कि मैं विदेश जाऊंगा, क्योंकि वो अपने से जुपिटर में हूँ और अपने से 12वें में जाना चाहता है, वहां पर भी देखा जाएगा ये सब। जुपिटर इन पाइसिस, होप यू लाइक द एनालिसिस। कितने लोग इससे रिलेट कर पाते हैं कॉमेंट में जरूर लिखेंगे, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को हेल्प करें ग्रो करने में, ताकि हम अच्छी एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर पाए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।